दुनिया पर महायुद्ध के संकट की ओहियो में मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों वॉशिंगटन लौटे अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन? बाइडेन ने पुतिन से बात करने से क्यों किया इनकार? जर्मनी पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्यों कहा कि संकट को हल करने का विकल्प सिर्फ कूटनीतिक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन तनाव के बीच गुरुवार रात ओहियो में भाषण दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भाषण मंच छोड़कर वॉशिंगटन डीसी लौटना पड़ा। मंच छोड़ते वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यूरोप में कुछ हुआ है। इसके बाद आधी रात को अमेरिका से यूरोप तक चल रही महाजंग की तैयारी के बीच पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के बहाने अमेरिका भी रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यहाँ तक कहा है कि युद्ध की संभावना प्रबल है। ऐसे में रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया की दो महाशक्तियों का भिड़ना तय है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को लेकर रूस को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। उन्होंने ये बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई फोन पर बातचीत के दौरान कही। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि वो यूक्रेन से लगती सीमा पर 1,00,000 रूसी जवानों की तैनाती से काफी चिंतित हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को फाइटर प्लेन उड़ाया और यूक्रेन में रूस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया, जिसे यूक्रेनियन को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले भी ब्रिटिश पीएम कह चुके हैं कि यूक्रेन संकट अभी भी पूरी तरह से टलान नहीं है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों व भारी गोला बारूद व लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन पोलैंड पहुंचे। अमेरिकी रक्षा मंत्री को आज म्यूनिक पहुंचना था लेकिन वो पोलैंड पहुंचे हैं। महायुद्ध की आशंका के बीच उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है, जबकि रूस ने कहा है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव पर यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कूटनीति इस संकट को हल करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि ये संकट यूएनएससी के हर सदस्य और दुनिया के सभी देशों को सीधे प्रभावित कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि रूस के लक्षित लक्ष्यों में कीव शामिल है, जिसके लगभग 30,00,000 लोग हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले से ही युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर हमला करने का नया बहाना ढूंढ रहा है। उनके मुताबिक आशंका है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस रासायनिक हथियारों का उपयोग कर सकता है, जो परमाणु वॉर से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। यूक्रेन के आसपास क्रेमलिन के सैन्य निर्माण को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव जारी रहने की वजह से वायुसेना ने जर्मनी में करीब 1 दर्जन F-35A लाइटनिंग 2 लड़ाकू जेट और लगभग 350 कर्मियों को तैनात किया है। जानकारी के मुताबिक यूटा में हिल एयरफोर्स बेस पर 34वें फाइटर स्क्वाड्रन के 388वें फाइटर विंग के विमान स्पैंगडाहले में एयरबेस पहुँच गए हैं। रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज ने TU-22M3 सुपरसोनिक लंबी दूरी के बॉम्बर्स ने SU-35S लड़ाकू विमानों के साथ बेलारूस के आसमान में गश्त की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमारे देश पर खतरा मंडराया तो हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं होगा। हमारे पास बहुत ताकतवर एटमी हथियार हैं।